है खबर पर नजर चैनल में। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर पर रंजीत सरकार की भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर को यह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसी के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को ध्वजा से सजाया जा रहा है, रंग बिरंगी झलारों से सजाया जा रहा है पूरे क्षेत्र को, क्योंकि यह भ्रमण क्षेत्र में बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकलेंगे और यह यात्रा निकालने के पूर्व एक महीने पूर्व तैयारी होती है, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा में भाग लेने और बाबा के दर्शन करने इस यात्रा के मद्देनजर पूरा पश्चिम क्षेत्र, जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है, रंजीत सरकार की यात्रा के लिए पलक पावड़े बिछाता है। नगरवासियों और यात्रा का क्या स्वरूप रहेगा, इसी को जानने के लिए खबर पर नजर के पत्रकार शैलेंद्र श्रीमाल ने मंदिर के मुख्य पुजारी दीपेश व्यास से चर्चा करी और यात्रा का विस्तार से बताया। उन्होंने इस यात्रा के लिए नव युवक मंडल, रंजीत मंडल लगातार बाबा के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र शर्मा, मैं हूँ आया हूँ इंदौर के सुप्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पर अभी 3 दिन की काफी भव्य शोभा यात्रा और ध्वजारोहण और अन्य काफी भव्य आयोजन होने जा रहे हैं। प्रभात फेरी निकलने जा रही बाबा की, जो पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और अपने इंदौर के सभी नगर वासियों को आशीर्वाद देंगे। उसी के मद्देनजर इंदौर के जो सुप्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ के मुख्य पुजारी से हम चर्चा करेंगे कि वह यात्रा के बारे में क्या क्या आगे विस्तार है और इस यात्रा का आगे क्या नया स्वरूप रहेगा। तो आइए चलते हैं मुख्य पुजारी से। व्यास जी, धन्यवाद। नमस्कार, जय रंजीत। और 3 दिवसीय जो भव्य यात्रा और जो आयोजन होने जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताएगा। बाबा का यह परंपरागत आयोजन है। हर वर्ष पौष मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को बाबा जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम मंदिर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 13 दिसंबर को ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 14 दिसंबर को साय 7 बजे दीपोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। 15 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे विग्रह का अभिषेक एवं 1.25 लाख रक्षा सूत्रों का शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाएगा। वही रक्षा सूत्र 16 तारीख को सभी भक्तों को निःशुल्क यहाँ से वितरित किए जाएंगे। और 16 तारीख को प्रातः 5 बजे मंदिर प्रांगण से बाबा की भव्य प्रभात फेरी प्रारंभ होगी। अच्छा, इसमें यात्रा का जो यात्रा का मार्ग है, उसमें कुछ पिछली बार के मुकाबले कुछ चेंजेस करा है कि वही यात्रा का जो पिछले साल का जो मार्ग था वो परंपरागत उसी मार्ग को रखा गया है। मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी मोहनाका तक, मोहनाका से अन्नपूर्णा मंदिर, नरेंद्र तिवारी मार्ग और फूटीकोटी से यू टर्न लेते हुए पुनः मंदिर पर समापन होगा। ठीक है, आपका पूरा परिचय बताएं। दीपेश व्यास, रंजीत हनुमान मंदिर। धन्यवाद।